ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टिकट कंफर्म होने पर तौफिक प्रधान ने परिवार के साथ शाहदाना वली सरकार में दी हाजिरी। शाहदाना वली दरगाह प्रबंधक ने पगड़ी बांधकर सर पर हाथ रखकर नेक दुआओं से नवाजा। आपको बता दें AIMIM उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कई प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, लेकिन AIMIM ने बरेली जिले की 123 बिथरी विधानसभा से तौफिक प्रधान को चुनावी मैदान में उतार कर राजनीतिक माहौल को पहले से भी ज्यादा गर्म कर दिया है। जैसे ही कल AIMIM ने अपने धुरंधरों की लिस्ट में 123 बिथरी विधानसभा से तौफिक प्रधान को प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही बरेली जिले के राजनीतिक माहौल में भूचाल आ गया। टिकट मिलने की खुशी में आज तौफिक प्रधान ने अपने परिवार के साथ दरगाह शाहदाना वली में हाजिरी देते हुए चादरपोशी करते हुए गुलपोशी की और शाहदाना वली सरकार में दुआ की। जैसे ही तौफिक प्रधान दरगाह पहुंचे तो दरगाह के प्रबंधक बब्बू मियां ने उनका तहेदिल से इस्तकबाल किया और सर पर पगड़ी बांधकर उनके हक में दुआ की। वहीं तौफिक प्रधान ने दरगाह प्रबंधक वाजिद खान उर्फ बब्बू से मुलाकात की और चुनावी मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कौमे मुस्लिमीन की लीडरशिप को लेकर गंभीरता से बात हुई और मुसलमानों को अपनी कयादत मजबूत करने को कहा। दरगाह प्रबंधक वाजिद खान बब्बू मियां ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। दानावली सरकार पर ये जो शख्सियत आए हुए हैं, इनका तारुफ चाहेंगे? ये तौफिक प्रधान साहब हैं, जिनको वैसी साहब की पार्टी से जो है इनको 123 बिथरी का प्रत्याशी बनाया गया है। हम बड़े खुश हैं कि आज ये हमारी दरगाह पर आए हैं और इन्होंने सरकार से आके अपने हक में दुआ के लिए कहा है। मैं सरकार शाहदाना वली से ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार से दुआ करें कि इनको जो है इनके हक में जो भी अच्छा हो वो काम हो। हजरत, आज जो माहौल चल रहा है, चुनावी सियासी जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से तमाम सियासी पार्टियों ने रवैया अपनाए हैं, इसमें कौम मुस्लिमा को क्या संदेश देना चाहते हैं? कौम मुस्लिम को तो संदेश हमें ये देना है कि आज आपको अपने क़यादत को ख़ुद खड़ा करना होगा। अभी तक हम जो थे पहले दरी बिछाते चले आए, अब जो है अब हम कुर्सियां बिछाने के काम में आ गए, क्योंकि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी ये समझती चली आई हैं कि मुसलमान हमारा वोट बैंक है और इसको हम जैसे चाहेंगे वैसे मोड़ेंगे, और मोड़ता चला आया। मगर अब जो पार्टियाँ अपने आप को ये समझती हैं कि हम बहुत कद्दावर हैं या हमने फला को मिला के अपने आप को कद्दावर बना लिया है, मैं समझता हूँ ये उनके हक में अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई तो 18% है, कोई 8% है, कोई 10% है, और वो 22% की को अपने साथ लेके वो अपने आप को जो है राज करता है। हम 22% होते हुए भी ना तो किसी पार्टी में सही पद पर रह पाते, ना ही हमारा MLO का चुनाव सही से किया जाता है, ना ही हमें कहीं पर सही जगह दी जाती है। तो मैं तो अपने सभी भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना खुद मुस्तकबिल बनाने के लिए अपने लोगों को जिताएं, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, अपनी क़यादत खुद करें। जैसे लोग ये समझ रहे थे कि मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि इस टाइम मुसलमान के पास कई विकल्प हैं, चाहे वो MII हो या आपके जो है कांग्रेस हो। कांग्रेस ने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है, आज कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसको सब वर्ग का समर्थन मिल रहा है। उसी बेस पे मैं ये फिर मुसलमानों से ये कहूँगा कि सोचो कि आपको क्या करना है, और आने वाला वक्त ये बताएगा कि मुसलमानों को कौन कौन पीछे रखना चाहिए।